वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो लाहौर में जो बेसिक प्रॉब्लम है तजावुजात का, उसकी वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी बहुत संगीन जो कहने शक्ल इख्तियार कर जाते हैं कभी कभी, और हमें एज अ पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अरसलान हैदर, और इसके साथ साथ हमारे पास सिटी ट्रैफिक पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अरसलान वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अरसलान, बहुत दफ़ा हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रैफिक के मसाइल जो है कभी कभी बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, और सबसे बड़ी वजह जो हर इदारा कंप्लेन करता है वो यही कि तजावुजात का मामला है। इस पर क्या स्ट्रैटेजी मजीद बनाई गई है? देखें, ये अभी जो अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो जो हमारे जितने भी अंदरून के एरियाज हैं ट्रैफिक तो मोस्टली जो है ना यहाँ पर स्टक ही रहती है, और बम्पर टू बम्पर जो है ना वो ट्रैफिक जैम रहती है, जिनमें ये अभी अगर हम माल रोड से लोअर माल से हम दाता दरबार की तरफ जाएं, भाटी गेट की तरफ जाएं, उसके अलावा ये नौलखा वाला जो रोड है और अंदरून के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर ट्रैफिक जो है ना वो हर वक्त स्टक रहती है। और इसकी जो मेन रीजन सामने आई है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये उसमें कहा गया कि तजावजात जो है ना वो काफी उनकी भरमार है, और वो तजावजात की मुख्तलिफ शक्लें थी जिसके ऊपर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दो रोज कबल एक डिसीजन भी लिया गया कि जो लोग तजावजात जिन्होंने लगाई होंगी अपनी शॉप्स के आगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्टक रहती है, और उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना वो कब्जा किया हुआ है, तो उनके ऊपर जो है ना मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। सिटी लाहौर की जानिब से ये ऐलान किया गया था, और अभी एक हफ्ते का उन लोगों को इसका टाइम भी दे दिया गया है। और इनमें तजावजात में सिर्फ ये ही नहीं आ जाती कि जो शॉप कीपर्स हैं उन्होंने आगे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, मार्केट्स को ब्लॉक किया हुआ है, इसके अलावा जितने जो शादी हॉल्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं उन्होंने शॉपिंग मॉल बना लेते हैं 5-5 मंजिला, और बेसमेंट भी बनाई होती है साथ में पार्किंग के लिए। पहले तो जो अप्रूवल करवाते हैं वो अपने नक्शे की कि जी बेसमेंट में पार्किंग बनाएंगे, लेकिन वो एंड पे पार्किंग खत्म करके वहाँ पे दुकानें बनाकर उनको रेंट आउट कर देते हैं, और जो तमाम जो पार्किंग है वो सामने दुकान के आगे अपनी लगा लेंगे, और इसके साथ साथ जो रोड है उसके ऊपर जो कस्टमर्स आएंगे उनके वो खड़ा कर देते हैं जो कि रॉन्ग पार्किंग में आ जाते हैं। तो सिटीओ की जानिब से ये कहा गया है कि जो लोग इस तरह के भी जो लाहौर के 246 मुकामात प्लाजे थे ऐसे जो उन्होंने उनके मुताबिक कहा जा रहा है उनके खिलाफ जो है उनको कहा है कि मुकदमा दर्ज करेंगे मालकान के खिलाफ करेंगे। अच्छा, तो अगर कोई भी इस तरह के तजावजात का जो है ना सामने मंजर देखने में आता है, उसके साथ साथ जो स्कूल कॉलेजेस देखते हैं जिन्होंने अपने गेट्स के आगे बैरियर्स लगा लेते हैं और इतना एरिया रोड का जो है ना वो कवर कर लेते हैं, तो इस तरह वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने जो है ना वो इंक्रोचमेंट की हुई है, तो उसके खिलाफ भी जो ठीक है। अरसलान, मजीद भी आपसे डिटेल्स मांगेंगे, हमें ज्वाइन किया एसपी हेडक्वार्टर सूर नाजिर साहब ने, वेलकम करेंगे आपको, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाजिर साहब, हमने भी बात करते हैं अरसलान भी के सिटी ट्रैफिक पुलिस को भी बात की जाए, जितने लोग जो ट्रैफिक के मसाले, एक तो एतराज और धरने वो एक मेन रीजन है, उसके अलावा जो तजावजात का मामला है ये भी बहुत कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस हवाले से आप लोगों की जानिब से क्या इकदाम तजवीज़ किए जाए? देखें, ट्रैफिक पुलिस का बेसिक काम जो है वो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक को रवा रखना है। बिल्कुल। और जो दूसरे महकमे अपना काम नहीं कर रहे उसकी वजह से जब ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है तो वो उन महकमों का काम भी ट्रैफिक पुलिस को करना पड़ता है। बिल्कुल। ये जो तजावजात हैं जो सड़क के ऊपर लोग अपनी रुकावटें खड़ी कर लेते हैं, अपनी दुकानदारी करते हैं, अपने ठेले रेहड़ियाँ रख लेते हैं, बेसिकली इनको हटाना जो है ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। बिल्कुल। ये कॉरपोरेशन का एक महकमा मौजूद है लाहौर में, और उनके पास ट्रक होते हैं और वो आते हैं और इन रेडियो को और इनको उठाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन क्योंकि वो महकमा अपना काम नहीं कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस ने तो रुकावट पैदा होने नहीं देनी है ट्रैफिक में, तो वो अपना काम ना करें लेकिन पब्लिक को तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से हम उनका काम भी अब हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके खिलाफ अभी तक हमने 1060 के खिलाफ ये जो नजायज तजावजात हैं इनके ऊपर FIR दर्ज करा दी हैं, और वार्निंग लेटर भी 1040 के खिलाफ हमने वार्निंग लेटर जारी किए हैं। और हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम पर्चे दें, हमारा मकसद ये है कि लोगों को ट्रैफिक में खलल पैदा ना हो, और जो दुकानदार या जो कारोबार करने वाले हैं उनको भी अभी हम वार्निंग लेटर दे रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। मकसद हमारा हरगिज़ ये नहीं है कि हम उनके खिलाफ पर्चा दें, मकसद ये है कि वो भी अपना कारोबार आराम से करें और लोग भी आराम से ट्रैफिक में गुजरें। अच्छा, चूंकि दीगर इदारे जिस तरह आपने कहा जो सिटी टू से गवर्नमेंट है उनकी जानिब से आपके लिए कोऑपरेशन नहीं होती, और बाद में जब सारा मलबा आता है सिटी ट्रैफिक पुलिस पे कि वो रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी जो है उसको मेंटेन रखने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सके, एहतजाज और धरने ये भी एक मेन रीज़न है तजावजात के साथ साथ, इस पर आप लोग क्या, आप लोगों की जो आपको कोऑपरेशन दरकार होती है जो आपको नहीं मिलती?
देखें, ये धरने और एहतजाज के लिए कई दफ़ा हमने लिख के दिया है महकमे लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कि इसके लिए कोई एक मुकाम जो है वो मुख्तस कर देना चाहिए, बिल्कुल, जिसको एहतजाज करना है वहाँ पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाएगा, उनका जो मसला है वो भी आ जाएगा, प्रेस में भी आ जाएगा और सबको पता लग जाएगा। लेकिन सड़क के ऊपर खड़ा होके सड़क ब्लॉक कर देना, अब जिस तरह किसी जगह पे अगर बिजली नहीं आ रही है या सुई गैस नहीं आ रही है, वो लोग, उनका कहना तो सही है कि बिजली और सुई गैस क्यों नहीं आ रही है, लेकिन एहतजाज करने का जो तरीक़ेकार है वो दुरुस्त नहीं है। वो जब सड़क पे आते हैं तो उनको ये नहीं पता कि उन जैसे ही कितने लोग जिनकी बिजली और गैस नहीं आ रही वो भी उस ट्रैफिक में फंस गए, और ट्रैफिक पुलिस ने जो बाकी पूरे लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम सही रखना है वो उस हड़ताल की वजह से सारी की सारी फोर्स उधर बुला ली जाती है, और सिर्फ एक मुकाम उससे डिस्टर्ब नहीं होता, पूरा लाहौर डिस्टर्ब होता है। ठीक हो गया। अच्छा अरसलान, ये भी मामला है कि एक हफ्ते की मोहलत दी गई है और इनके खिलाफ जो ऐसे अभी इन्होंने बताया मुकदमा दर्ज होंगे, सारे मामला होंगे, तो क्या डेडलाइन पे क्या लगता है कि जो इदारों की जो कॉपरेशन है वो किस हद तक रहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा इसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अभी तो एक हफ्ते की जो मोहलत दी गई है उसमें इन्होंने जो है ना एजुकेट करना है लोगों को, जो वार्निंग लेटर्स भेजे जा रहे हैं जो जहाँ पे रोंग पार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 246 ऐसे प्लाजे हैं जिनके साथ पार्किंग नहीं है, जो कि जिनके नक्शे में तो पार्किंग है लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो है ना शॉप्स बना ली हुई हैं अपनी पार्किंग की जगह पर बेसमेंट्स में, और उनको जो है ना वार्निंग लेटर्स भेजे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्हें एजुकेट किया जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद यहाँ पर अगर ये पार्किंग ख़त्म ना की या पार्किंग स्टैंड जो थे वो ना बनाए गए तो उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। और देखिए, इसमें जो इदारों की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि अगर हम बंद रोड की बात करें बाबू साबू से टूवर्ड्स अगर हम सगिया पुल की तक जानिब जाते हैं तो रस्ते में एक एक पैच आता है जो कि सड़क का टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर 24 घंटे मामूल बन गया है ट्रैफिक जैम रहती है, क्योंकि वहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं, घड़े बने हुए हैं बहुत गहरे, ट्रैफिक ने तो रुकना है, वहाँ पर हैवी व्हीकल्स जाती हैं, ट्रक्स जाते हैं, वहाँ पर ट्रॉलर्स जाते हैं, वो स्लो होती है तो ट्रैफिक की लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन एट द एंड मलबा सारा आ जाता है सिटी ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, ये ट्रैफिक को रवाना नहीं रख पा रहे। और दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बारहा जो इंतजामिया थी उनको बताया जाता है, तो इदारे एक दूसरे पे जो है ना वो डाल देते हैं, वो एक कुछ कहता है ये मोटरवे पुलिस में आता है, कोई कहते हैं कि ये जो जिम्मेदारी है ये रिंग रोड की जिम्मेदारी है, पहले ये चीज डिफाइन होनी चाहिए कि कौन सी जिम्मेदारी किस इदारे की और उसने किस हद तक, जैसे तजावजात की रिस्पांसिबिलिटी सिटी ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है जिसको इम्प्लीमेंट कराना भी उनकी जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा है। अभी अगर हम बात देखें, एक तो वो था, वहाँ पर भी जो है ना हमारे इदारे ने काम है मुकम्मल तौर पर कि उस पैच वर्क को तकरीबन एक साल हो चुका है और उसको अभी तक कोई ठीक नहीं करवा सका, और वहाँ पर हर वक्त, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ से अक्सर गुजरता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पर चार चार ट्रैफिक वार्डन जो है ना वो ऑन स्पॉट ड्यूटी करते हैं और वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन किया जा सके, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं क्योंकि अब आगे घड़े बने हुए हैं, ट्रैफिक कैसे गुजरेगी वहाँ पे, जैसे अब बारिश हुई है तो वहाँ पे बारिश का पानी भर गया वहाँ पे, और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस फिर एक बार जो है ना उसके ऊपर मलबा आएगा। इसी तरह ये नौलखा का जो रोड है दो मोरिया पुल वाला, ये रेलवे स्टेशन से लेके दो मोरिया पुल तक जो ना ट्रैफिक जैम रहती है। पार्किंग के जो मसाइल है ये अक्सर मार्केट्स में नजर आते हैं और रेजिडेंशियल एरियाज में जहाँ पे स्कूल्स और अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके हवाले से भी आप लोग किस तरह की कोऑपरेशन आपको दरकार होती है जो नहीं मिलती है? देखें, शहर में जब शहर की प्लानिंग होती है तो ये डिफाइन होता है कि कहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी और रहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन एलडीए ने जो प्लानिंग की है वो बड़ी नाकस है, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं देखा कि रहायशी इलाकों में स्कूल बन रहे हैं। हमारे लाहौर के प्राइवेट इंग्लिश मीडियम जितने बड़े स्कूल हैं वो सारे रहायशी इलाकों में बने हैं, उनमें 500-800 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, और जब उनको गाड़ियां लेने आती हैं तो उस इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा अजाब होता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, हम वहां पे जितनी मर्जी फोर्स लगा लें वो जो छुट्टी का दौरानिया है उसमें ट्रैफिक ब्लॉक ही रहती है, क्योंकि बेसिकली वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सड़कें बनाई ही नहीं गई, सड़क जो है इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये एलडीए का काम था कि वो रहायशी इलाकों में स्कूल या दीगर जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है उसको मत होने दें। जितने प्लाजास के नक्शे पास हुए हैं इन लोगों ने नक्शे पास कर लिए हैं, प्लाजास खड़े हो गए हैं, बेसमेंट जहाँ पे पार्किंग थी उन्होंने मालकान ने वहाँ पे भी दुकानें बना के दुकानें तक फरोख कर दी हैं,
اور اب وہ ہڑتال کرتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں اور آپ ٹریفک پولیس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو ٹریفک پولیس کے کاندھوں پہ بہت سی ایسی ذمہ داریاں آ گئی ہیں جو بیسکلی ان کا کام نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور ہم کام اپنا کرتے ہیں, دوسروں کا بھی کرتے ہیں. بالکل, اور یہی بات ارسلان کی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ابھی ہم پارکنگ اسٹینڈس کی بات کریں, وہاں پر بھی اس قدر ٹریفک, اور ہم جس ابھی مارکیٹ کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ویکینڈس پہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ پارکنگ اسٹینڈس بھی بنائے ہوئے ہیں, لوگ سڑک پر گاڑی پارک کر کے شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں, کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ پیچھے ٹریفک جام ہے, بلاکیج ہے. یہ اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں میں رپورٹر ہوں, ہم ہر وقت نیوز کو دیکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو جہاں پہ مون مارکیٹس ہیں, جو لاہور کی دو مون مارکیٹس ہیں, ایک بالٹون مون مارکیٹ اور دوسری ہے گلشن آبی مون مارکیٹ. گلشن آبی مون مارکیٹ میں جو ہے نا بینکویٹ ہالز بنے ہوئے ہیں, اور آج کل شادیوں کا سیزن ہے. ہم نے بہت بار اس ایشو کو اٹھایا کہ وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 30 کے قریب بینکویٹ ہال ہیں مون مارکیٹ کے اندر, اور کسی ایک بھی بینکویٹ ہال کی جو ہے نا پارکنگ نہیں بنی ہوئی. اور وہاں پر ہر ایٹ اے ٹائم آج کل وہاں پہ جو ہالز ہیں اس کے اندر 2 سے 3 فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں, اور 200-300 لوگوں کا وہ فنکشن ہوتا ہے. مطلب کہ 700-800 لوگ ایک بینکویٹ ہال کے لیے آتے ہیں وہاں پر, جن کی گاڑیاں اب کہاں لگیں گی. اور وہاں پہ یہ صورتحال ہوتی ہے ہر دن رات کو کہ گلشن راوی مین بلو وارڈ کے اوپر دولہے کی گاڑیاں لوگ پارک کر کے چلے جاتے ہیں کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی. اور کاروائی کیا کریں گے, کیونکہ جب پارکنگ وہ پورا ایک مافیا ہے جس کو آپ چھیڑ بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, اور وہاں پر جو شادی ہال والے ہیں وہ ایک ان کی بھی وہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں اب ان کا یہ بینکویٹ ہال ہے, اس کے سامنے پارک ہے, پارک کے ساتھ انہوں نے اپنا جتنا ان کا فرنٹ ہے اتنا ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس کو انہوں نے ایسے وائرز لگا کے انہوں نے اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے, اور اس کے درمیان میں جو ہے نا انہوں نے اپنی بائکس کی پارکنگ بنائی ہوئی ہے جس کے وہ چارجز لے رہے ہیں. اور وہ پراپرٹی کس کی ہے؟ پبلک پراپرٹی ہے, اور وہ ناجائز پارکنگ اسٹینڈ بھی بنا ہوا ہے وہاں پہ. اگر کوئی بائک چوری بھی ہو جاتی ہے نا تو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, وہ کہیں گے یہ تو ہمیں تو اس بندے کا پتہ نہیں, آپ اس کے پاس کھڑے, لیکن وہ پیسے کون کہاں جا رہے ہیں, وہ شادی ہال والے کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو یہ گلشن آبی مون مارکیٹ کی صورتحال ہے. اب وہاں پہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اگر پارکنگ کے انتظامات کیے جائیں, وہاں پہ انکروچمنٹ کا آپریشن ہوا, وہاں پہ تمام جو مارکیٹس کے اندر سے جتنی انکروچمنٹ تھی وہ اٹھا دی گئی, اس کے باوجود وہاں پہ ٹریفک رکتی ہے. کیوں؟ پارکنگ اسٹینڈس ہیں وہاں پہ, رونگ پارکنگ پہ لوگ گاڑیاں لگا کے جاتے ہیں. دیکھیں مین جو پارکنگز ہیں وہ تو ایک لبرٹی جو پلازا میں لبرٹی مارکیٹ کے ساتھ بنائی گئی ہے جہاں پہ مختص کیا گیا پارکنگ کو, وہاں پر چلو ٹریفک کی صورتحال بہتر رہتی ہے. لیکن اگر ہم ایک بالٹون مون مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پر دیکھیں بڑے سٹورز ہیں, وہاں پہ جتنے ریسٹورینٹ برانڈز ہیں, کسی ایک کی بھی اپنی پارکنگ نہیں ہے وہاں پہ, دو گاڑیاں یا تین گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی ہے, لیکن تمام گاڑیاں سروس لین کی لین کے اوپر لوگ لگا دیتے ہیں. سروس لین کی آپ جب بات کریں تو یہ آپ کی مین جیل روڈ ہے, یہاں پر دیکھیں تو ایک سروس لین میں جو گاڑیوں کے شو رومز ہیں ان کے آگے آپ وہ سروس لین نہیں یوز کر سکتے, کیونکہ انہوں نے اپنی گاڑیاں وہاں پہ ورک شاپس ہیں, شو رومز ہیں, انہوں نے اپنی گاڑی, اور ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے, پھر سے وہ دوبارہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. جیل روڈ, جوہر ٹاؤن, جتنی بھی یہ جو مین مارکیٹس ہیں یہاں پر ان کی مین بلوارڈز کے ساتھ جتنے بھی جو سروس لینز ہیں ان کے اوپر تو قبضہ ہو چکا ہے ان تمام لوگوں کا, یہ کاروباری جو لوگ ہیں ان کا قبضہ ہو چکا ہے, یہ لوگ اپنی گاڑیاں وہاں پارک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف دن کے ٹائم میں, دن اور رات ان کی گاڑیاں وہاں کھڑی رہتی ہیں, صرف شو رومز کے اوپر نہیں, سامنے بھی, سامنے واش ہو رہی ہوں گی اور باہر گند بھی پڑ رہا ہوگا, سب کچھ ہو رہا ہوگا, لیکن کوئی وہاں پہ کاروائی نہیں ہوگی. اور ایٹ دی اینڈ جب ٹریفک جام ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پر دیکھیں جیل روڈ پہ جب جو لاہور یونیورسٹی سروس لین, تو میرے خیال سے مختص کر دینی چاہیے ان شو رومز کے لیے کہ ان کو ہم نے دے دیا, تو یہ معاملہ ہو جائے, کیونکہ وہ سروس لین تو برائے نام ہے, آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. اچھا ابھی جو ہم یہ سخت کاروائی کی بات کریں, امپلیمنٹ اگر نہ ہوا, رضاکارانہ طور پر کسی نے تجاوزات نہیں ہٹائے, کیونکہ ڈنڈے کے بغیر تو کچھ بھی یہاں پہ ممکن نہیں ہے, تو کیا فردر آپ لوگوں کی جانب سے اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں اس میں ہماری کوشش تو یہی ہے, ہمارا مقصد ہرگز کسی کے خلاف پرچہ دینا اور اس کے خلاف کاروائی کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ٹریفک کا فلو چلتا رہے. بالکل ایسا, لیکن اگر یہ تاجران جو ہیں انہوں نے سڑک کو بلاک ہی رکھنا ہے اور ہماری وارننگ کے باوجود اس کو یہ نہیں مانیں گے, تو پھر ہمارے پاس جو آخری راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرائیں گے. ایف آئی آر لانچ ہوگا, ان کا جو سامان ہے وہ ضبط ہوگا, جو سڑک پہ پڑا ہوا ہے ان کو جرمانہ ہوگا, اور اگر وہ پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر ان کی دکان سیل بھی ہو سکتی ہے, ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. تو اگر اسٹیٹ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو چاہیے ہر انسان کو
जो यहाँ पे रहता है उसको चाहिए कि कानून को फॉलो करे, और पुलिस जो है ताकत से पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर इन्फोर्स नहीं करा सकती कानून दुनिया के किसी भी कोशिश में। और जो सारा इदारों की कलेबोरेशन है उसी से बेहतरी आ सकती। जब तक हर इंसान जो है वो अपना फर्ज समझते हुए दूसरे के हकूक का ख्याल रखेगा। अब देखें, इस्लाम में सबसे पहले पड़ोसी के हकूक हैं, तो जो दुकानदार है उसको भी देखना पड़ेगा कि अगर मेरा पड़ोसी मुझसे तंग है और मेरी वजह से दूसरे लोग तंग हो रहे हैं, तो अगर वो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करे और उसके बाद कानून को फॉलो करे तो हमारा निज़ाम बड़ा अच्छा चल सकता है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी जब तक खुद नहीं समझेगा, इसमें मीडिया जो है वो हमारा बहुत साथ दे सकता है। अभी ये बात कर रहे थे आप शादी हाल के बाहर जो पार्किंग होती है, अब शादी हाल के बाहर जब पार्किंग होती है और वो दूल्हा की गाड़ी और उनकी जो दूसरी गाड़ी वो सड़क के ऊपर खड़ी करके चले जाते हैं, शादी हाल ने तो कोई पार्किंग दी नहीं। अगर फ़र्ज करें वो दूल्हा की गाड़ी को चलान होता है या उसको लिफ्ट उठाता है तो मीडिया पर खबर चलती है कि दूल्हा की गाड़ी को पुलिस वालों ने उठाया। हमारे यहाँ पर कानून की जो किताब है उसको हम सिर्फ फॉलो नहीं करते, यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होती है और हमने साथ साथ उसको भी देखना होता है कि हमारा पुलिस का जो नाम है उसकी वजह से जो हमें लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो पुलिस का नाम बदनाम ना हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कानून में करने के लिए लिखी हुई हैं हम उससे इज्तनाब करते हैं। लवली, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया सलान आपके भी आने का। जनाब, आप दूसरों के हकूक का ख्याल करना, ट्रैफिक अगर आप चाहते हैं आप बेहतर हों तो प्लीज़ सिस्टमेटिकली रोड डिवेलप करें, और ये सारी चीज़ें जो हैं चाहे वो तजावुजात है, गलत पार्किंग है, दूसरों का ख्याल करें, इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें। इदारे अपना काम करेंगे, अगर आप अपना फर्ज निभाएंगे तो बहुत तौर पर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, और कल हमारा एनिवर्सरी का स्पेशल शो होने वाला है जनाब, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि लाहौर न्यूज़ और जागो लाहौर को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं तो वो कल हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम आपको स्पेशल शो के साथ भी हाजिर होंगे। और फीडबैक के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, और इन केस आज का शो अगर आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।